बैठ जा, बैठ। शाबाश। एक बार सभी भाई बहन जयकारा लगाएं। पहले ठीक बैठ गया, देखो ठीक बैठे हो कि नहीं। हाँ, हो सकी जरूरत है नहीं। अभी साईं जी सुना रहे नहीं। देखो, एक बेहोशी होती है और एक होश होता है। तो मैं पहले बेहोश आदमी की बात कह दूं, कोई पी ली होगी थोड़ी बहुत। बंधुओं, गली में जा रहा है, कहीं पैर रख रहा था, कहीं गिर रहे, सोच भी रहा था मैं कहीं गिर नहीं जाऊं, और वो तो गिर गया। और वहां गिरा, जय हो। सुवरिया लेटी, अब सूर्या कहाँ लेट है? साफ सुथरी जगह में कहूं सूर्या लेटी, देखिए कहा, जहां दूध पीठ कचड़ा गंदगी, और आदमी बाई के पास में गिर गया। उसने जब पीछे को हाथ किया तो बाकी मुंह पे हाथ चला गया, सोचने लगा मामला गड़बड़ है। और धीरे धीरे जब हाथ सरकाया तो बाकी पीठ पे हाथ चला गया, और सरकाओ तो बाकी हाथ में पूंछ आ गई। कहने लगा, पप्पू की अम्मा, तुम रोज दो चुटियां बनाती हैं, जो एक चुटिया कैसी बनाई? बंधुओं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये तो वास्तव में आदमी होश में होता तो पप्पू की अम्मा सुवरिया। इसलिए कहा है, सावधानी हटी और दुर्घटना हटी। एक बार जोश में और होश में हाथ उठा करके जयकारा लगाए, लगाए अच्छा। बोलिए सतगुरुदेव की, संत समाज की, भक्त समाज की हो। शाबाश, धन्यवाद। सतगुरु के दरबार में कमी काऊ की नाय, बंदा मोय पावे नहीं चूक चाकरी मान। धरी कहूं ढूंढे कहूं वस्तु न आवे हाथ, बस तो हाथ जबई पड़े जब भेदी ले ले साथ। पूजनी संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, माता और बहने, ये त्रिदिवसीय कार्यक्रम, आज तीसरा दिन और लास्ट प्रोग्राम हो रहा है। बढ़िया कार्यक्रम हो रहा। लोग कह रहे थे कि साहिब जी वर्षा हो गई, थोड़ा गड़बड़ हो गया,
मैंने कि थोड़ा गड़बड़ नहीं हुआ है, थोड़ा अच्छा हुआ है। कोई गड़बड़ होती है। अब कोई बच्चा पैदा हुआ है, अच्छा हुआ है, फिर जवान होता है, अच्छा होता है, अब बुढ़ा हुआ है तो गड़बड़ हुआ है, वो भी तो अच्छा ही है। अरे जब वस्त्र फट जाता है तो फिर किनको अच्छा लगता है? फिर तो वो हट जाए तो ही ठीक है ना। अब इधर सड़ रहे हैं, बुरी तरह से मर रहे हैं, और फिर भी सोच रहे हैं कि और जी जाए, और जी जाए। अरे मरना तो है ही। बंधुओं घबराने की बात नहीं है, जो चीज बनती है बिगड़ती है। आज बनेगी तो कल बिगड़ेगी। अच्छा नहीं लगता है। हम तो ये सोचते हैं कि ऐसा ही बना रहे, पर ऐसा नहीं रहेगा। हमारे साहिब जी ने बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, आपके बीच में होश में बढ़िया अच्छी विचारधारा रखी। दो जीवन है, एक तो होश का जीवन है और दूसरा बेहोशी का जीवन है। बंधुओं सत्संग में आने से हमारे जीवन में होश जागृत होता है। जागृति आती है, हमें पता लगता है सत्य क्या है, असत्य क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। ये कहां पता लगता है? जब हम सत्संग में जाएंगे, संतों में जाएंगे तो हमको पता लग जाता है। फिर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये पता लग जाता है। और बंधुओं वही करते हैं जो करना चाहिए, जिसको नहीं करना चाहिए उसको हम नहीं करते हैं। क्यों? हमें संत गुरु मिले। जगा हुआ आदमी वास्तव में जगा देता है, और जो स्वयं ही सो रहा है दूसरे को क्या जगाएगा? स्वयं ही बेहोश है, दूसरे को क्या होश में करेगा? इसलिए बंधुओं संत वास्तव में जगे होते हैं, होश वास में होते हैं। और ऐसे जब संतों का सानिध्य मिलता है तो जीवन धन बन जाता है। इसलिए कहा है पानी पिए, पानी पिए छाने के लोग कहते नहीं। हाँ गड़बड़ बात है, पानी में शराब मिला दो का छानोगे, जहर मिला दो का छानोगे? नहीं, पानी पिए जान के, पानी को जान लो ये शुद्ध है कि अशुद्ध है। शुद्ध है तो पियो और अशुद्ध है तो फिर प्यासे ठीक हो। पानी पिए जान के और गुरु करे, गुरु करे छान के, छानबीन करना चाहिए। कहीं गुरु ही तो नहीं गोता खा रहे? और मैं कह रहा हूं जब गुरु ही गोता खाए रहो तो हमें पल्ली पार कैसे ले जाएगा? वो तो खुद ही मर रहा है। इसलिए बंधुओं कहा है जब तक गुरु मिले नहीं सांचा, और तब तक गुरु करो एक की बात ही नहीं है। वास्तव में जब सदगुरु मिलता है तो जीवन को एकदम बदल देता है। जीता जागता सदगुरु मिले,
एक और मैं बताऊं, कुछ मुर्दा गुरु होते हैं, आपने देखा है आलू, बड़ी मोटी बात कह रहा हूं क्योंकि मैं जैसो हूं तैसो ही कह पाता हूं। आपने देखा है आलू सड़े सड़ाए आलू को बढ़िया आलू के जोरे रख दे, ज्यादा देर नहीं लगेगी, वो सड़ जाएगा, नहीं सड़ जाएगा। मैं क्या कहता हूं, यदि काऊ मुर्दा गुरु के पास में तुम चले गए तो जो एक आध सांस बच गई है वो मुर्दा हो जाएगी। इसलिए बंधुओं, जीता जागता जब सदगुरु मिलता है तो मैं कह रहा हूं जो मुर्दा सांसें हो गई हैं उनमें भी प्रेशर दे दे करके उनमें भी जान डालते, लेकिन बगैर गुरु के बात नहीं बनेगी। मैंने उस दिन भी कहा था, जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दो दिसदा है, आंखें सूजे बाबरा घर जर घूर बताए। जिस प्राणी को सच्चे सदगुरु नहीं मिलते घर जर घूर बताए, कहूं आग लगी और कहीं हम पानी डाले। बंधुओं, सदगुरु कबीर ने कहा है, भमर जाल बगजाल है बूढ़े बहुत अचेत, कहें कबीर ते बांचे जाके हृदय विदे। जो भाई बहन अब चढ़ाए रहे तो वो चढ़ाए जाएं, अब कोई उठेगा नहीं, पैसा पैसा नहीं चढ़ाना, और काऊ को नहीं मन माने तो कोई बात नहीं, बाद में खूब खुला समय है खूब चढ़ाना, क्योंकि लोगों का चित्त हट जाता है। मैं कह रहा था भमर जाल बग जाल है बूढ़े बहुत अचेत, कहें कबीर ते बांचे जिनके हृदय। दो जाल बताए, एक जाल होता है भमर जाल जो आपने देखा है पानी में बढ़ता है, पानी में भमर जाल पड़ता है वो, अब बाह में कोई वस्तु फंस जाए तो कहां जाती है, नीचे को जाती है क्या नहीं। और एक जाल होता है बग जाल, गर्मी के समय में चक्राकार हवा बन जाती है, लोग कहते हैं भूत आ गया, कहते हैं शायद शहर में कमे आते हैं भूत। उस चक्राकार हवा को लोग कहते हैं कि भूत आ गया, और उसमें कोई वस्तु फंस जाए तो कहां जाती है, ऊपर जाती है कि नहीं। मैंने देखा है, आपने भी देखा है, ये दो जाल है, एक जाल नीचे ले जाता है और एक जाल ऊपर ले जाता है। बंधुओं, सदगुरु कबीर कहते हैं एक खानी जाल है और एक दूसरा जाल कौन सा है, बाणी जाल। खानी जाल कहते हैं ये जो दिखाई दे रहा है, स्त्री पुत्र धन कोठी ये सब कुछ जो संसार में दिखाई देता है ये क्या है, ये खानी जाल है। तो हर आदमी की आसक्ति कहां है, नीचे ही तो है, कोठी बना लूं, धन इकट्ठा कर लूं, विषय वासनाओं की आसक्ति कहां है, नीचे ही तो है। बंधुओं, दूसरी आसक्ति, दूसरा जाल है वाणी जाल, जैसे अल्लाह खुदा ईश्वर परमात्मा देवी देवता भूत प्रेत खैज मसान, तो ये नीचे तो रहते नहीं है,
है, कहते ना ही ऊपर भाव जाने, उंगली उठाते नहीं ऊपर भाई ने कबू कही है कि मैं ऊपर बैठो काउस कही हो। ये हमारी तो कल्पना है कि कोई न कोई तो जा संसार को चलाने वाला कहीं न कहीं तो होगा। कबीर साहब ने कहा है तेरे ऊपर कोई नहीं, स्वर्गे पताल में हुआ नहीं होगा नहीं तीनों काल में, आंखें खोल देख ले भूपों का भूप तू, सबका जनैया पार की पारक स्वरूप। अरे तू है तो सब कुछ है, तू नहीं है तो तेरी तो सत्ता है, तू नहीं तो कहा है। उधर से कोई कभी सूचना नहीं आई है कि मैं यहां बैठा हूं। और आप तो इतना विज्ञान बढ़ चढ़ गया, ये कहूं हो तो कब को नीचे डाल लो, क्योंकि काऊ को लड़का मरेगा वो कितने मारो वो तो ऊपर वाले है, तो जाओ को लड़का मरेगा वो कहां कद्दा रहे हो। पर बंधुओं ये हमारे लंग की कल्पना है। रामायण में कहा है जड़ चेतन ग्रंथ पर गई, यदि मिर्सा छूटे कठने। जड़ और चेतन दो वस्तु बताएं, जड़ और दूसरी चेतन। जड़ कहते हैं जो दिखाई दे रहा है, जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, वो जड़ है। गो गोचर जहां लगमन जाई सो सब माया जानो भाई, माया कहते हैं जड़, और देखने वाला वो कौन है, जो देखने में आता है वो तो जड़ है और देखने वाला चेतन। भाई पांडाल तुम देख रहे हो, पांडाल जड़ है कि नहीं, पांडाल को तुम जानते हो, पांडाल तुम्हें जानती है क्या। अब यार तूफान आ जाए तो पांडाल तो दाब ले, क्योंकि बस जानती ही नहीं है कि काऊ परेशानी हुई कि नहीं हुई है। जड़ कहते हैं जिसमें ज्ञान नहीं, पृथ्वी ने जाने आप गुण, पृथ्वी के अंदर में कितना सोना चांदी हीरा जवाहरात सब भरा हुआ है नहीं, पर वो नहीं जानती है। हीरा सोना चांदी जवाहरात का कीमत किसने रखी है, मनुष्य नहीं तो रखी है। इसलिए बंधुओं ये वाणी जाल है। जड़ और चेतन के बीच में एक गांठ बताई है, जड़ चेतन ग्रंथ पर। जड़ और चेतन के बीच में क्या है, एक गांठ है। फिर कह रहे हैं यदि मिर्सा, यानी मिर्सा नाम झूठी, कह रहे हैं गांठ पांठ कुछ नहीं है, ठीक धन्यवाद, क्या गांठ पांठ कुछ नहीं है। तीसरी बात कह रहे हैं गांठ पांठ कुछ नहीं है लेकिन छूटवे में बड़ी कठिन है। अरे अंधेरा कब तक है, जब तक हमारी आंखें बंद हैं तब तक अंधेरा है, और आंखें खुल गई तो कहां अंधेरा है। जिस दिन आपको जीता जागता सदगुरु मिल गया उस दिन गांठ नाम की कोई चीज नहीं। गांठ क्या है, एक अनुमान धोखा कल्पना की जीवन में गांठ है, और जादना जीता जागता सदगुरु मिलेगा तादना गांठ फांठ कुछ नहीं है। जड़ और चेतन दो वस्तु है, इसलिए हमें और आपको बड़े होश की जरूरत है, बड़ी सावधानी की जरूरत है। तो एक छोटा नेक भजन गुनगुनाए दूं, वैसे मेरी इच्छा तो नहीं थी पर भैया कह रहे कि साहिब जरूर सुनाए दियो भाई।
अरे निगुरा ना बे गंगा जमुना निगुरा कभी साहब ने कहा है गंगा नहाए फल एक है, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल कहे कबीर विचार। गंगा नहाने का फल एक है, महल पसीना छूट जाएगा। आप सोचे हमारे पाप छूट जाए, ये बड़ी गड़बड़ बात है। संत मिले फल चार, चार फल कौन से हैं? अर्थ धर्म काम मोक्ष। और सदगुरु मिले अनंत फल। वास्तव में जीता जागता सदगुरु मिलता है, अनंत का मतलब होता है कोई गिनती नहीं, इतने फल प्राप्त होते और वहां फलों की बात ही नहीं रहती है, सदगुरु वहां छोड़ता है। इसलिए अरे निगुरा ना पे गंगा जमुना निगुरा, जासे पाप कटे कैसे हो कटे कैसे, फटा हुआ दूध जमे कैसे, हाँ निगुरा को राम मिले भाई। लोग सोच रहे होंगे महात्मा ये तो कबीरपंथी है, गीता भागवत को नहीं माने, क्या इनसे कोई हमारी लड़ाई है, कोई दुश्मनाई है? नहीं, हम भी पढ़ते हैं, गीता पढ़े भागवत पढ़े क्या नहीं पढ़े। अभी मैं रामायण से बात करी, कवि साहब ने कहा है शास्त्र ज्ञान निष्फल सकल, जब तक होए न विवेक कच्छुली ने जाने। कच्छुली को चाहे हलवा में दे दो, चाहे रबड़ी में दे दो, चाहे सब्जी में दे दो, का स्वाद बता दे। ऐसी निगुरा आदमी चाहे गीता पढ़े, चाहे भागवत पढ़े, चाहे बीजक पढ़े, का हो बात। इसलिए बंधुओं अरे निगुरा पाचे गीता पोती निगुरा, जासे ज्ञान लखे कैसे हो लखे कैसे, हटा हुआ तू जमे कैसे भई, निगुरा को राम मिले कैसे हो मिले कैसे। और बंधु बहुत जल्दी कर रहा हूं, समय हो गया। अरे निगुरा फेरे राम जी की माला निगुरा, प्रिय बंधुओं कभी साहब ने कहा है कर में तो माला फिरे, जीभ फिरे मुखमाए, और मनुआ तो चौदिस फिरे, ये तो सुमिरन है। दूसरे की बुराई करते जाए रहे और राम 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 राम, राम। बस का हो बंधुओं, सुमिरन की भी बात कही है, सुमिरन करो राम का, पर ऐसा सुमिरन, सुमिरन का अर्थ होता है याद, याद है तो आबाद है और भूल गए तो बर्बाद है। मैं पांडाल में बैठा हूं, मैं पांडाल नहीं हूं, पांडाल बिल्कुल अलग है, और मैं पांडाल को मैं जानता हूं। कौन सा? अरे क्या ले करके आए जग में, क्या ले करके याद करो, कुछ लेके आए, क्या ले करके, अरे क्या ले करके जाएगा, क्या ले करके जाएगा, तुम्हें नदिन धोखा आएगा, तुम्हें नदिन आए के तुम्हें मुट्ठी बांध के, मुट्ठी
नाहर भलो करे जीव की हान निगुरा नरक ले जाएगो निगुरा की पहचान। अच्छे गुरु संत मिले तो वास्तव में दीक्षा उपदेश ले। अरे भगते पार बैठे इन्हें बनाया ये भजन में लाइट की कड़ी। अरे कोई मत रह जाइयो, अरे तुम मत रह जाइयो, फिर नहीं धीरे धरे कोई प्यारी। और एक छोटा निवेदन है, जैसे केला रस आश्रम पे 3 दिन का कार्यक्रम है मार्च में 9, 10, 11 क्या तारीख है 9, 10, 11 तारीख का और 7, 8, 9 याद है, कोई बात नहीं फिर याद धीरे धीरे। सभी भाई बहनों के लिए मेरे हृदय से मैं वो तो नहीं लाया हूं, कागज तो नहीं लाया, पेपर तो नहीं लाया, पर वही पेपर मेरे को समझ लेना चाहिए ना। आगे हमारे भक्तों के माध्यम से पूजा होगी, सभी भाई बहन पूजा करने वाले करेंगे, सब करेंगे, जो बने सो करें, कोई जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही फूल पत्ती संतों के सामने जोर या स्वागत दूरे देश से आप पधारे साई साई करना सकता है
Yeah.
जब स्वामी मैं कैसे आप को बार बार अब करत विनती शरण लीजे दास को Yeah.
शरण आए की लाजे साए वली जो वार मानव चक्रम गुरु साधु टूटे नाम बने बंदी छोर दीजिए मरदान सदाया छो साहेब के दरबार में कमी काऊ की नाए बंदा गुरु ज्ञानात्मनास्ते तस्मै सद्गुर्वे नमः ध्यान मूलं गुरु मूर्ते पूजा मूलं गुरु पदं मंत्र मूलं गुरु वाक्यं मोक्ष मूलं गुरु कृपा गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तप गुरु पत्रं नास्ते नास्ते तत्रं गुरु परम् कायो देव तुम को बंदगी है गुरुदेव बोलिए श्री सदगुरु देव की भक्त समाज नौमी भाई जहाँ कहीं हो